साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंदेशक न्यूज में। अंदेशक न्यूज आपके संघर्ष का साथी, अंदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट कह सकते हैं। साल 2023 की बिग ब्रेकिंग न्यूज यानी कि जनवरी में ही वो ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज आप सभी को मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि 26 जनवरी 2023 यानी कि बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नई शिक्षा नीति पूरे देश में पूर्णतया लागू कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि अंदेशक और शिक्षा मित्रों को क्या उनके पद पर ही समायोजित किया जाएगा, क्या उनका नियमितीकरण होगा, समान कार्य समान वेतन मिलेगा, ये सब बात वक्त बताएगा। आप देख सकते हो ये 26 जनवरी से लागू होगी नई शिक्षा नीति। प्रधान इन्होंने कहा है, साफ साफ बताया है, 26 जनवरी यानी बसंत पंचमी के पावन दिन पर नई शिक्षा नीति पूरे देश में एक साथ लागू होने जा रही है। एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट और एक ऐतिहासिक फैसला भारतीय शिक्षा के लिए और भारतीय शिक्षा जगत के लिए, शिक्षा विभाग के लिए। माननीय प्रधान जी ने कहा, भारत विश्व मानवता की धरोहर है। भारत जैसा प्रजातंत्र दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता है। मैकाले ने हमारी आस्था पर चोट करने का काम किया। इस वर्ष 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन देश में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये बातें भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना द्वारा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमोहार में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सह गोष्ठी के दूसरे दिन मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति इतिहास को सुधारने का मौका देती है। केवल जोरावर सिंह, फतेह सिंह भारतीय नायक नहीं है, बल्कि भारत के हर जिले में नायकों के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को प्रमुखता दी गई है। जब तक मातृभाषा को प्रमुखता नहीं दी जाएगी, तब तक बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत संशोधित अध्ययन को बढ़ावा देने का काम किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए तकनीकी में प्रवेश जरूरत है। विश्व के 140 देशों में हमने करुणा का संदेश दिया है। 150 से ज़्यादा टीवी चैनल स्कूलों के लिए समर्पित किए जा रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अब प्रतिरोध का जमाना चला गया है। 500 करोड़ वैश्विक नागरिकों का दूर है भारत। 7000 वर्ष पूर्व मूर्ति बनाने का प्रमाण इसी इलाके में मिला। कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी इतिहास और शिक्षा है। अब तक इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया, अब भारत सरकार पूरी ताकत के साथ नए और सही इतिहास को लिखने की दिशा में प्रयासरत है। इस दिशा में इतिहास अनुसंधान परिषद व अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। तो साथियों, धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये घोषणा की है कि 26 जनवरी से लागू हो रही है नई शिक्षा नीति, और अब देखना ये है कि क्या होता है अंदेशक और शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पद पर ही हमको समायोजित किया जाए, हमें समान कार्य समान वेतन मिले या हमारा नियमितीकरण हो, क्योंकि ये बात तो तय हो चुकी है कि अब संविदा पद को समाप्त किया जाएगा और उसे समायोजित किया जाएगा या उसका नाम बदल दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी खास खबर। मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।